Let's go. Assalamu alaikum dreamers, welcome back to my channel. Kaise aap sab? I hope you guys are doing pretty well. Alhamdulillah, main bilkul theek thaak hoon. Itne dinon baad video shoot kar rahi hoon. Sakat raat ke 2 baj rahe aur bahut garmi hai. Pankha band kiya hua hai. If you guys cannot tell, I'm sweating. Makeup fixer to lagaya, I hope makeup piglin. So if you're new, hi, thank you so much for stopping by. My name is Yusra and I make videos here on YouTube. Do hit that subscribe button and also do click that bell icon as well so you guys do not miss out on my future videos. So wedding season start ho chuka hai aur bahut sare log wedding ke related videos dhoond rahe hain. Aur mere bhira ka, bhira means bhai, bhira is in strike, mere muh se nikal gaya. Anyway, mere bhai ka bhi nikah hai September mein, by the end of September inshallah taala. So wedding ki preparations chal rahi hain, so uske lihaz mein paas bahut sare wedding contents aa rahe hain. Inshallah taala main sab aap log ke saath शेयर करूंगी, सब हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह. बट बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले, वेडिंग ब्लॉग्स इंशाअल्लाह ताला, या निकाह ब्लॉग्स आई वुड से. आज की वीडियो होगी हेयर स्टाइल के ऊपर. मैंने जो एक हेयर स्टाइल वीडियो की थी ऑन माय इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोगों ने कहा था प्लीज़ हेयर स्टाइल के आइडियाज़ दें, बिकॉज उनके पास कुछ खास आइडियाज़ होते नहीं है और वो एक ही हेयर स्टाइल करते हैं. अगर मुझे हेयर स्टाइल कुछ बनाने होते हैं सो मैं ज़्यादातर स्लीक हेयर स्टाइल्स की तरफ जाती हूँ. स्लीक हेयर स्टाइल्स बहुत 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 अच्छे लगते हैं इफ़ यू डू देम करेक्टली. लेट जस्ट बी ऑनेस्ट ओवर हियर, हर कोई स्लीक हेयर स्टाइल्स कैरी नहीं कर सकता है. यू नो व्हाट आई थिंक, स्लीक हेयर स्टाइल्स करने में बहुत गट्स चाहिए. दैट्स व्हाट आई थिंक एंड विदाउट मी रैम्बलिंग एनी मोर, लेट जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. ओके गाइस, सो हम पहले स्लीक हेयर स्टाइल की तरफ जाएंगे. सबसे पहले तो आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से ब्रश करना होगा और रिमेंबर आपके बाल स्ट्रेट होने चाहिए, क्योंकि हम स्लीक हेयर स्टाइल्स बना रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके बाल स्ट्रेट हों, स्लीक हों. सबसे पहले मैंने ब्रश करने के बाद बीच की मांग निकाली. मैंने क्राउन सेक्शन से 2 पार्टीशन की हैं बीच की मांग निकालने के बाद, और जो मैंने बाल अलग किए हैं उनको मैं पीछे जूड़े में बांध रही हूँ. ये एक एडिशनल स्टेप है फॉर यू गाइज, जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. मैं ये स्टेप करे बगैर भी कर सकती हूँ ये हेयर स्टाइल. अब जो हमने आगे के 2 पार्टीशंस किए थे, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से तेल कॉम से ब्रश करें ताकि बहुत स्ट्रेट सा जाए, एंड जो बाल हमने 2 पार्टीशन किए हैं उनको हम पीछे टाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड. नाउ इससे क्या होगा, आपके बाल इसी पोजिशन में रहेंगे, हिलेंगे नहीं. आप डांस करें, जो करें, हेयर पिन लगाने से हिल जाते हैं. अगर आपको हेयर पिन लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं ऐसे बनाती हूँ कि ताकि अगर मैं डांस कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, तो मेरे बाल अपनी पोजीशन में रहें. उसके करने के बाद मैं अपने बाल खोल दिए हैं एंड अब ये ऐसे ही रहेंगे. अब अगर आपने स्ट्रेट नहीं किए हुए थे, आप अभी स्ट्रेट कर सकती हैं, या करने के बाद अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और स्ट्रेट देने हैं अपने बाल, थोड़ा और टचअप देना है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू सो. दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ओवर हेयर. मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, बट टू गिव अ बिट मोर स्लीक लुक मैं अपने आगे के बाल स्ट्रेट करूँ, सिर्फ आगे के करूँगी और दैट इज़ इट. एंड दिस इज़ दी फर्स्ट लुक. हम अपने 2 साइड मतलब बाल आगे भी कर सकते हैं एंड बिल्कुल पीछे भी कर सकते हैं. मैं कभी आगे करती हूँ, कभी पीछे करती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड. एंड अब थोड़े क्लोजअप्स हैं, एंजॉय दिस क्लोजअप्स और फिर हम सेकेंड स्टाइल की तरफ जाएंगे. हेयर स्टाइल है उससे ये होगा हमारा लो पोनी टेल. स्लीक हेयर स्टाइल, लो पोनी टेल, जो भी हमारे बाल थे उसको हमने लेके एक लो पोनी टेल में हमें उसको बांध देना है. मैं टेल कॉम से अगेन ब्रश कर रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर मेरे बाल स्लीक हैं. टेल कॉम बहुत अच्छी तरीके से आपके बाल स्लीक कर देगा, बहुत अच्छी तरीके से आपके सारे बाल स्ट्रेट करके पोनी में ले जाएगा. दैट इज़ व्हाट एम आई डूइंग. बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ. कैन सी सो सिंपल. सो दिस इज द सेकेंड हेयर स्टाइल जहाँ से ये है स्लीक पोनी हेयर स्टाइल, एंड दिस ऑल्सो लुक सो एलिगेंट, सो क्लासी. बस एक तरीका आ जाए इनको करने, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love.
थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ हम सेम ही जो पोनी बांधी थी उसको अब हम जूड़े में पिन कर देंगे. दैट इज इट. बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा. कैन सी बस मैंने उसी पोनी को जूड़े में बांध दिया एंड दिस इज आवर थर्ड हेयर स्टाइल. और ये अगर आप वेडिंग्स में या ढोलकी में करें, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी. मैं सिर्फ एक हेड पीस लगाऊंगी एंड देखिएगा कितना ट्रांसफॉर्म कर देगा ये इस हेयर स्टाइल को. हेयर यू गो. सिर्फ एक टीके से पूरा हेयर स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो चुका है. ये वेडिंग्स में ढोलकी में सबने बहुत खूबसूरत लग सकता है. जस्ट डू नॉट माइंड द फैक्ट कि मैं इयररिंग्स और टीका अलग अलग हैं, वो तो बस एक उस वक्त मैंने पहन लिए, मेरा इरादा नहीं था. बट so these were the three sleek hairstyles that I usually do and it all depends on my dress ki mera kis tarah ka dress hai and mujhe kis tarah kis type wale sleek hairstyle banana hai. If you guys want to know how you can style or slay the hairstyles, ye agar aisa hairstyles pehne aap isko क्यूट कैसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा कैसे दिखा सकते हैं, हाउ यू कैन स्टाइल दीज हेयर स्टाइल्स, सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो वहाँ पे मैं IGTV अपलोड करूँगी, वहाँ पे यू गाइज विल गेट टू नो हाउ यू कैन एक्सेसराइज ऑल ऑफ दीज स्लीक हेयर स्टाइल्स. और ऑल्सो उस IGTV में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा स्लीक हेयर स्टाइल किस टाइप ऑफ कपड़ों पे, किस टाइप ऑफ कपड़ों पे सूट करेगा. सो नीचे लिंक दिया होगा. ऑल्सो यहाँ पे भी मैं यूसराज लिटिल कॉस्मो है, दैट इज़ माय इंस्टाग्राम. डू फॉलो मी देयर यू गाइस. एंड या आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीक्स वीडियो. और इन माय नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला. एंड या आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर फॉर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव. अल्लाह हाफिज़. फी अमानिल्लाह. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love.